अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ लच्छा पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे। आप भी इस तरह से ट्राई करें, आपका लच्छा पराठा भी परफेक्ट बनेगा और आप इसे किसी भी ग्रेवी के साथ खा सकते हैं। अभी हमने इसे बटर चिकन के साथ बनाया है, तो आप इसे चिकन टिक्का मसाला या आप जो भी ग्रेवी बनाना चाहते हैं उसके साथ इसे बना सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक डालेंगे और पानी डाल के हमें इसे गून लेना है। हम जिस तरह रोटी के अक्के लिए आटा गूनते हैं उसी तरह का हमें इसका आटा गून लेना है। ना ही ज़्यादा आप इसे सॉफ्ट रखें, ना ही ज़्यादा टाइट। तो ये देखिए, हमने आटे को गून लिया है। अभी हम इसके अंदर 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद आपको इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गून लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छी तरह से गून लिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, उसे ढक के हम 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। 10-15 मिनट के बाद आपको इसे फिर से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गून ले। आप जितना अच्छा इसका आटा गून लेंगे उतने ही आपके अच्छे से पराठा बनेगा। 2 कप आटे में आपके 4 पराठे आराम से बन जाएंगे। अगर आपको छोटे बनाने तो आप छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन पराठा मोटा ही होता है ज़रा, इसलिए हम इस तरह से 4 पेड़े बनाएंगे। इसके बॉल्स अच्छी तरह से बना लें। अभी यहाँ पे हम एक पेड़ डालेंगे, इसके ऊपर मैदा लगा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। पहले आपको इसे पतली रोटी बेल लेनी है इसकी। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे घी। घी को आपको अच्छी तरह से लगा लेना है। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते तो ऑयल भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे इसे अच्छी तरह से घी लगा लेंगे। अभी इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कैसे हम फोल्ड करें। तो इस तरह से पहले फोल्ड कर ले और थोड़ा सा भी आप इसे खींच ले और बड़ा कर ले आपकी लोई को, और इस तरह से फिर से फोल्ड करें। इस तरह से हम सारे पेड़े को बना के रखेंगे साइड पे। आप यहाँ पे रोटी को जो भी ऑयल या घी लगा ले वो अच्छी तरह से लगा ले ताकि आपकी लच्छी भी परफेक्ट बने। अभी इसे हम बेल लेंगे थोड़ा सा मैदा लगा के। इसे थोड़ा हम मोटा ही बेल लेंगे, पराठे मोटे होते।
यहाँ पे हमने पराठे को बेल लिया और यहाँ पे हमने पैन गर्म होने रखा है, इसके ऊपर हम एक पराठा डालेंगे। पराठा डालने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप इसकी साइड चेंज करें और इसके ऊपर हम ऑयल लगा लेंगे। अगर आप यहाँ पे ऑयल घी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और मीडियम फ्लेम पे हम पराठे को अलट पलट करते हुए सेक लेंगे। इस तरह से चम्मच से आप इससे प्रेस करते हुए पका लें, इस तरह से गोल्डन कलर आने तक। हमारा पराठा बहुत ही मजे का बना है, बहुत ही डिलीशियस है। आपको इसके अंदर मोबाइल में इस तरह से सारे लच्छे नहीं दिख रहा होंगे, लेकिन ये बहुत ही परफेक्ट बना है। इसी तरह हम बाकी के भी पराठे सेक लेंगे। तो ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा बना है। तो आपको इसे मोबाइल की लाइट पे ये इस तरह दिखेगा और मोबाइल की लाइट बंद करने के बाद देखिए हमारा पराठा देखिए कैसा बना है, परफेक्ट लच्छेदार पराठा बना है। आप भी इस तरह से ट्राई करें और ये बहुत ही खाने में बहुत ही डिलीशियस लगता है। थोड़ा सा क्रिस्पी भी है और सॉफ्ट भी है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए हमारा लच्छा पराठा रेडी। आप इसे किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, चाय के साथ सर्व करें या किसी ग्रेवी के साथ। आप अगर आपको किसके साथ इसे सर्व करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप इस तरह से ट्राई करें और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।